वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं बीआरबी फोटो वीडियो। तो आज दोस्तों मैं एक बेहतरीन वेडिंग वीडियो है जो एडिटिंग लेकर आया हूँ, अभी तक किसी ने नहीं बताया। आप हमारे चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे ही एडिटिंग रिलेटेड और ग्रीन स्क्रीन वीडियो आपको मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आ गया काइन मास्टर पर। काइन मास्टर पर आने के बाद में 60.9 का रेशियो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है और प्लस के आइकन पर क्लिक करके मीडिया ब्राउजर पर चले जाना है। मीडिया ब्राउजर पर जाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से एक बैकग्राउंड है जो सेलेक्ट कर लेना है। तो इसका लिंक है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको एडिटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, अंत तक देखेंगे तो ही समझ में आएगा, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और ये मत सोचना कि मुझे बोर कर रहे हैं इसलिए हम वीडियो को स्किप कर दें, स्किप मत कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपको हर वीडियो में नई नई टेक्नोलॉजी है जो हमारे वीडियो में सीखने को मिलती है। मैं हर रोज़ नया नया वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, नए नए एडिटिंग के वीडियो और ग्रीन स्क्रीन रिलेटेड। और दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए ताकि आपके कमेंट से मुझे टॉपिक मिलता है तो मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाता हूँ। और दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, लाइक तो बनता ही है। तो दोस्तों बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको है जो पेन जूम पर क्लिक करना है और इसको है जो एडजस्ट कर लेना है, यहाँ पर पकड़ के रख देना ताकि ये आगे पीछे नहीं हो। बाद में इसको लेयर कर दीजिए जितना आप वीडियो में रखना चाहते हैं। बाद में क्या करना है, आपको लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर चले जाना है। मीडिया पर जाने के बाद में आपको जिस फोटो का वीडियो बनाना है वो फोटो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो पहले हम इसमें इफेक्ट दे देते हैं। तो आपको और लैमिनेशन पर जाना है। और लैमिनेशन पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर है जो लाइटिंग ब्यूटीफुल इफेक्ट, इसको सेलेक्ट कर लेना है। अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो स्टोर में जाइए और वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये है जो, इसको डाउनलोड करने से क्या होता है, इफेक्ट बहुत अच्छे इफेक्ट हैं और अभी जो काइनमास्टर ने नए हैं जो लॉन्च किए हैं तो ये बहुत अच्छे हैं। बहुत कम लोगों ने इस पर वीडियो बनाया होगा, शायद आपने देखा होगा या नहीं देखा है। तो मैं जो वीडियो लाता रहता हूँ नए नए इफेक्ट पर काइनमास्टर बारे में, हर रोज़ नए नए वीडियो आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराता हूँ। तो ये वाले इसको सेलेक्ट कर लेना है। लाइट को सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर एडजस्ट कर देना है और फिर वापस चले जाना है और वापस है जो लाइटिंग ब्यूटी इफेक्ट पर चले जाना है और वापस से यहाँ पर है जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर वाला है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सॉरी ये पिंक वाला हो गया तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। दोबारा जाते हैं और वहाँ से है जो ये वाला ग्रीन वाला ले लेते हैं। तो इनके अंदर से हमें है जो फ्रेमों को निकालना है, फोटो फ्रेम जो हम बनाने वाले हैं वीडियो वो यहाँ से निकालना है। तो यहाँ पर इस कोने में आपको एडजस्ट कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दीजिए और यहाँ पर रख दीजिए, एडजस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद में इसको भी थोड़ा सा जूम आउट कर दीजिए ताकि ये दिखने में बहुत अच्छा दिखे, ठीक है। ये हो गया, अब आपको वापस स्टार्टिंग में आ जाना है, लेयर पर चले जाना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इतना खिसकाने के बाद में जब ये फ्रेम में प्ले होती है तो आपको फ्रेम फोटो है जो ऐड करने है, ये वाली लाइटिंग प्ले होती है तो वहाँ पर फ़ोटो ऐड करना होता है, ठीक है। तो मैं फ़ोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी फ़ोटो मुझे यहाँ पर देने हैं वो फ़ोटो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो ये वाली फ़ोटो है जो मैं दे देता हूँ। आप दो फ़ोटो अलग अलग दे सकते हैं, तो दूल्हा दुल्हन किसी की भी फ़ोटो दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फ़ोटो दे रहा हूँ, ये सिर्फ मॉडल की फ़ोटो है, कोई दूल्हा दुल्हन की नहीं है। आप दूल्हा दुल्हन की वेडिंग वीडियो बनाना चाहते हैं तो फिर ऐसी दीजिए, या अदरवाइज़ कोई भी फ़ोटो आप दे सकते हैं, जिस भी आपका भी वीडियो आप बनाना चाहते हैं व्हाट्सएप स्टेटस के तौर पर तो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर सेट कर देना है। सेट करने के बाद आपको क्या करना है, थ्री डॉट पर यहाँ पर क्लिक करना है और सेंड टू बैक कर देना है, ठीक है। सेंड टू बैक करने के बाद में ये ऐसा लगेगा कि ये फ्रेम के अंदर से है जो फोटो फ्रेम निकल रही है, तो देखिए किस तरीके है जो अच्छे से दिख रही है। तो आपको यहाँ पर देखिए एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। इस फोटो को आपको है जो लेयर कर देना है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें है जो अप करवानी है। तो मैं यहाँ से है जो इसको ले रहा हूँ। दोस्तों वीडियो लंबी ज़रूर है पर बहुत अच्छी वीडियो बनी है, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा और बहुत अच्छी है। और वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि ऐसे ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड आप लोगों को वीडियो मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि वीडियो कैसी बनी हमें खुद को पता चल सके कि हमारी वीडियो बनाने का कोई मकसद था या भी नहीं, ठीक है। तो दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, एक और फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है। कपल्स में जॉइंट में कर सकते हैं या सिंगल फ़ोटो हो तो आप सिंगल भी कर सकते हैं। तो मेरे पास एक कपल फ्रेम बनाई हुई है तो मैं ये वाले सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको भी ऐसे सेंड टू बैक कर देता हूँ और इसको यहाँ सेट कर देता हूँ, ठीक है। फिर इसको भी लेयर कर देना है जितना आप वीडियो में रखना चाहते हैं, तो मैंने लेयर कर दी है पहले से ही, ठीक है। फिर सभी का आइकन पर क्लिक करना है और इसको है जो प्लस कर थोड़ी सी ऊपर ले जाना है, या इतनी ये लाइटिंग एंड होती है वहाँ पर इस फोटो को छोड़ देना आपको, ठीक है। ये हो गया,
अब है जो इसमें भी सेम प्रोसेस कर देते हैं, इसको भी सभी के आइकन पर क्लिक करते हैं और थोड़ा सा ये वाली फ़ोटो जहाँ रुकती है इसको भी वहाँ ले जाकर रोक देना है यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों है जो एक ही पोजीशन में रहनी चाहिए फ़ोटो, क्योंकि एक पोजीशन रहेगी तो बहुत अच्छा दिखेगा वीडियो, ठीक है। जब ये एंड हो जाए और लाइट एकदम ड्रॉप हो जाए तो आपको इसमें और इफेक्ट देने हैं, तो मीडिया पर जाना है और फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है, या अदरवाइज़ आप सिंगल फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं या कपल्स फ़ोटो है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी फ़ोटो आपको जो पसंद हो वो फ़ोटो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर फ़ोटो दे देनी है। तो मैं जल्दी से जो बिना टाइम बर्बाद किए फ़ोटो दे देता हूँ, ठीक है। तो फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, कोई भी ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट कर ली। अब इसको क्या करना है, आपको इस फ़ोटो के नीचे लाना है, जूम आउट कर देना पहले तो, ठीक है। और यहाँ पर फ़ोटो के नीचे एकदम एडजस्ट यहाँ पर ले आना है, ठीक है। किसी भी फ़ोटो को रख सकते हैं आप, यहाँ पर इतना डिस्टेंस रखना है फ़ोटो के बीच में। और फिर है जो और लैमिनेशन पर आपको क्लिक कर देना, और लैमिनेशन पर क्लिक करने के बाद में आपको फ़ोटो को पकड़ना है और वापस और लैमिनेशन पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए रिंग वाला सेलेक्ट है, तो यहाँ पर रिंग को कर दीजिएगा, ठीक है। अब है जो दूसरे वाले फ़ोटो में भी हम यही करने वाले हैं, थोड़ा सा यहाँ पर रख देते हैं इसको ताकि ये दिखने में बहुत खूबसूरत दिखें। तो दोस्तों हर वीडियो में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, अगर आपको लगता है इस वीडियो में मुझे कुछ भी सीखने को नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप एडिटिंग को तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर मैं रिप्लाई करूँगा ज़रूर आपको। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देगा, टेलीग्राम पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर भी मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो आपको दो अलग अलग फ़ोटो है जो सेलेक्ट कर लें, तो मैंने दो अलग अलग फ़ोटो है यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है, दो अलग अलग फ्रेमों में। आपको ऐसा दिख रहा होगा शायद एक फ़ोटो है पर ऐसा नहीं है, दो अलग अलग फ्रेमों में दो अलग अलग फ़ोटो है, तो दो अलग अलग फ़ोटो आपको यहाँ पर है जो सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा पार्ट से इनको सबको क्रॉप कर देते हैं एक साइज़ में रखकर, ताकि ये फ़ोटो आगे पीछे नहीं हो, ये कर दिया। अब इसमें भी आपको ये सेम प्रोसेस ही करना है, रिंग वाला करना है, तो इसको भी पकड़ लेते हैं और इसको भी और लैमिनेशन पर चले जाते हैं और वहाँ से है जो रिंग को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर रिंग है जो इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, रिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ठीक है, ये हो गया। अब है जो आपको यहाँ पर प्ले करके देख लेना है वीडियो किस तरीके से बनी है, और आप जो मनपसंद जो भी सॉन्ग आपके पास हो सॉन्ग दे सकते हैं और एक बहुत अच्छा वेडिंग वीडियो है जो ऐड कर सकते हैं फ्रेमों के साथ, ठीक है। तो ये देखिए दोनों फ्रेम है जो एक साथ में टकरा रही है, तो इसको बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखने के लिए हमें है जो यहाँ पर इसे एडिटिंग की है, मतलब थोड़ा जूम आउट कर देना है, तो इसको यहाँ पर। अब आपको और लैमिनेशन पर चले जाना है और वहाँ से है जो लाइटिंग वाले दिल हैं उनको सेलेक्ट कर लेना है, तो ये भी आप स्टोर में मिल जाएंगे, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता है तो हमने वीडियो बना रखी है पहले से ही ट्यूटोरियल, पूरा देख लीजिएगा कहाँ से कैसे डाउनलोड करना है, सब कुछ वहाँ पर बताया गया है, हमारे चैनल पर मिल जाएगा। मैं लिंक इसका आई बटन में दे दूँगा या डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ से आप वीडियो को देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। हमें हर वीडियो ट्यूटोरियल के साथ बताता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ में आ सकें और कुछ सीख सकें, क्योंकि मैंने सीखा है, मैं दूसरों के साथ शेयर करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा वाली खुशी होती है कि मैंने सीख कर किसी को सिखाया। ये बहुत बड़ी बात होती है कि हर कोई गुरु वो नहीं होता जो स्कूलों में सिखाते हैं या कुछ भी, किसी से कुछ सीख सकते हैं आप, तो आपके लिए बहुत गर्व की महसूस की बात होती है। तो मुझे खुद को गर्व होता है कि मैं कुछ लोगों को कुछ सिखा सकता हूँ। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, सर आपकी वीडियो देखकर मैं जो है सिखाऊँ, तो पता है मुझे कितना एक्साइटेड होता हूँ और मुझे कितनी खुशी होती है कि यार मेरे बनाए हुए वीडियो देखकर बंदा सीखा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो दोस्तों कमेंट और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको यहाँ पर ये वाले दिल है जो लाइटिंग वाले, इसको सेलेक्ट कर लेने हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे खाली खोटा बोर कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है दोस्तों, बात है जो मैं बताता हूँ वो पर्टिकुलर ट्यूटोरियल के साथ बताता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। और दोस्तों हाँ, हमारे टेक्निकल चैनल भी बना लिया है, फ़ोटो एडिटिंग रिलेटेड हमने चैनल बना लिया है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से अगर आप फ़ोटो एडिटिंग सीखना चाहें तो वहाँ पर सीख सकते हैं, या यूट्यूब हो और कुछ भी जानकारी चाहिए नॉलेज चाहिए तो हमारा चैनल है टेक्निकल वी का, वहाँ पर जाइए, हर ट्यूटोरियल के साथ वीडियो वहाँ पर भी मिल जाएगी इसी तरीके से, ठीक है। तो अब हम यहाँ जो वीडियो को कम्प्लीट हो गया है, अब प्ले करके देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत खूबसूरत वीडियो बनी है, तो ऐसा वीडियो आप भी बना सकते हैं अपने फ़ोन से बिना किसी फेक एप्लीकेशन, बिना कोई शुल्क,
ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।